अप hey कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल फिन टैक्स बाई निशांत मैं हूं सी ए निशांत कुमार और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिटर्न ऑन एक्विटी के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर के बारे में बात की थी

कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आज की वीडियो में हम लोग छह चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है Then I'll tell you, ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर का इस्तेमाल आप स्टॉक एनालिसिस में कैसे कर सकते हो फिर हम इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ रिटर्न और आर के बीच का डिफरेंस क्या है बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू 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 ऑफ ऑफ थिंक थिंक कि ये रेट ऑफ रिटर्न जैसा ही कुछ है लेकिन वो है नहीं दोनों में काफी डिफरेंस है एंड फाइनली आई गिव यू द कंक्लूजन मैं आपको ग्रो की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाऊंगा भी कि कैसे आप लोग कंपनीज के आर को फाइंड आउट कर सकते हो एंड विल ऑल्सो सी हाउ कैन यू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज विद इन द सेम सेक्टर और क्या ये आरओई अलग-अलग सेक्टर्स के कंपैरिजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एक-एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज दिस रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखो होता क्या है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उसके शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी है तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया वो हम लोगों को रिटर्न ऑन इक्विटी से मिलता है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट इज व्हाट रिटर्न ऑन इक्विटी इज कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे के ऊपर कितना पैसा कमाया दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी तो फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने बात की जो भी नेट इनकम है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी ये आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है यहां पर नेट इनकम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो टैक्सेस और बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद जो फाइनल इनकम बचती है वो उसके बारे में बात करते हैं और जब हम शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो दिस इज नॉट जस्ट द शेयर कैपिटल इट आल्सो इंक्लूड्स द रिजर्व एंड सरप्लस मतलब सारी के सारी एसेट्स में से आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और आउटसाइडर लायबिलिटीज जब हटा देते हो तो आपके पास शेयर होल्डर्स इक्विटी बचती है राइट right? मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर सपोज किसी एक कंपनी का नेट इनकम है 19477 करोड़ रुपए और उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी है 69539 करोड़ रुपए तो उसका आरओई हो जाएगा 28% राइट right? ट अबाउट दी इंपॉर्टेंस सबसे पहली बात तो है कि आर ओई जो है एक एफिशियंसी इंडिकेटर है यह कंपनी की एफिशियंसी को दर्शाता है अगर आर ओई ज्यादा है इसका मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसों को अच्छी तरह से यूज किया हुआ है राइट यह मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को भी दर्शाता है अगर आर ओई ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नाउ आई नो वट यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ डू वी नो के आर ओई किसी कंपनी का ज्यादा माना जाएगा या किसका कम माना जाएगा वट शुड बी दी आइडियल बेंचमार्क

ठीक है तो हम लोग ग्रो की वेबसाइट पर आ गए और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं सपोज आईटीसी सर्च किया में आप को यहां पर इसका दिख जाएगा, अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू वन हम ये कैसे डिटर्मिन करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो आप आओ नीचे ठीक है सिमिलर स्टॉक्स आपको यहां पर दिखेगा आप नेस्ले पर जाओ वरुण बेवरेजेस पर जाओ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर सीमोर पर करके आपको और भी मिल जाएंगे और अब आप बाकी कंपनीज में आर को कंपेयर कर सकते हो नेस्ले का आर ओई वरुण बेवरेजेस का आर ओई ब्रिटानिया का आर ओई सेवेंटी एट पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आरओई ओई सेवन पॉइंट एट नाइन परसेंट तो इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ किसी एक कंपनी का आरओई देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा सिमिलर सेक्टर के अंदर अगर आप अलग अलग कंपनी के आरओ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए राइट right? ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन हम लोगों ने यहां पर बात ही की कि, कि किस तरह से आप प्रॉफिटेबल कंपनीज के बारे में देख सकते हो उसके बाद आपका ये जो आरओई होता है ये आपको आपके पोर्टफोलियो के एनालिसिस करने में भी हेल्प करता है ठीक है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज्यादा होगा तो आपका पोर्टफोलियो बढ़िया चल रहा है कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने अभी अभी देखा कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज के आर के बेसिस पर आप कंपनीज का डिसीजन ले सकते हो और अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपको को देखना है जैसे हम लोगों ने अभी जब देखा था तो हम लोगों ने देखा मल्टीपल कंपनीज देखी तो आईटीसी का सपोज निकला ट्वेंटी नाइन परसेंट ठीक है आईटीसी का आर निकला कितना ट्वेंटी नाइन परसेंट अब अगर हम लोगों को देखना है कि क्या आर क्या आईटीसी में वाकई इन्वेस्ट करना चाहिए तो फिर हम देखेंगे कि पिछले पांच सालों में या पिछले दस सालों में आईटीसी के आर की कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है या नहीं रही है तो अभी मैं आ गया हूं स्क्रीनर डॉट इन पर और मैंने आईटीसी लिमिटेड कंपनी ओपन कर ली है जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मुझे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा जहां पर मुझे आ, आ, यहां पर नेट प्रॉफिट दिख जाएगा पिछले दस सालों का नेट प्रॉफिट दिख रहा है और नीचे बैलेंस शीट में मुझे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर यह दिख जाएगा इसको इस डेटा की मदद से मैं पिछले दस सालों का आर निकाल सकता हूं और उसको देख सकता हूं एक और चीज आपको यहां पर दिखाई देगी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जब आप यहां पर नीचे आओगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों का ऑन एन एवरेज 25 परसेंट दिखाई दे रहा है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी आईटीसी का 25 परसेंट का रहा है अब हम लोग इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे ठीक है एंड दिस इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये हाई डेट को अकाउंट में फॉर नहीं करता है ठीक है तो कई सारी कंपनीज क्या करती हैं बहुत सारी डेट उठा लेती हैं और उसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी की फिगर मैनिपुलेट हो जाती है कैसे हो जाती है आओ इसको देखते हैं सपोज दो कंपनीज है हमारे पास एक कंपनी ए है कंपनी बी है दोनों की नेट इनकम आप देख सकते हो दोनों की नेट इनकम हंड्रेड हंड्रेड है ठीक है कंपनी ए में जो शेयर होल्डर्स एक्विटी है वो कितनी है, 2, रुपीस की है? 2, रुपीस की है. और यहां परिवाइडेड बाई टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी सिर्फ शेयर होल्डर्स एक्विटीड फोर परसेंट का ही निकल कर आया ठीक है कंपनी बी में देखो यहां पर भी हंड्रेड रुपीज की इनकम है लेकिन यहां पर टोटल कैपिटल ढाई हजार ही है बट शेयर होल्डर्स इक्विटी वन थाउजेंड है और लॉन्ग टर्म हो गया यहां पर टोटल शेयर होल्डर ढाई हजार था यहां इन्होंने क्या किया कंपनी बी में क्या किया कि शेयर होल्डर्स इक्विटी को कम कर दिया और उसकी जगह लॉन्ग टर्म बोरो उठा ली बहुत सारा मार्केट से लोन वगैरह उठा लिया तो डेट बढ़ गया लेकिन शेयर होल्डर्स इक्विटी कम हो गई इक्विटी कम होने के चक्कर में रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ चुका है ठीक है कंपनी ए का फोर परसेंट कंपनी बी का दस परसेंट दोनों के कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है राइट दोनों का कैपिटल ढाई ढाई हजार है दोनों की इनकम सौ सौ है लेकिन फिर भी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो चुका है तो सर इसका इलाज क्या है इसका इलाज क्या है कैसे पता चलाया जाए मतलब फिर तो आरओं बेकार ही हो गया ना मतलब ऐसे तो कंपनी मैनिपुलेट अगर कर रही है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आर अच्छा है या नहीं है तो इसके लिए दूल सम टूल अ टूल दैट वी यूज एंड दैट इज नोन एज अ डुपॉन्ट एनालिसिस इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डुपॉन्ट एनालिसिस तो आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यस वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डुपॉन्ट एनालिसिस और मैं उसके लिए उसकी आपके लिए वीडियो बना दूंगा यह तो हुई पहली लिमिटेशन uh, दूसरी लिमिटेशन है कि यहां पर आप एक इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल कंपनीज को तो कंपेयर कर सकते हो लेकिन मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आईटी फार्मास्यूटिकल्स एफ इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा हाई होगा इन सेक्टर्स में कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा हाई होगा क्योंकि इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम है लेकिन वहीं पर अगर आप हेवी कैपिटल स्ट्रक्चर वाली कंपनीज को देखो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर तो यहां पर आपका आरओई हमेशा कम होगा और तीसरी लिमिटेशन है कि कई सारी कंपनीज बायबैक्स बैक्स करने की वजह से शेयर्स का बाय कर देती हैं एसेट की वैल्यू को अंडर वैल्यू कर देती हैं और उसकी वजह से आरओई बढ़ जाता है मैं बायबैक का एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह से कंपनीज आरओई को मैनिपुलेट करती हैं अगेन हम एक एक हाइपोथेटिकल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ उस कंपनी की नेट इनकम है हंड्रेड करोड़ रुपीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी है फाइव हंड्रेड करोड़ रुपीज बाई बैक अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा बाई वे, बाई बैक का मतलब है जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट अपने शेयर को वापस ले लेता है तो उसको बाई बैक बोलते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपना बाई बैक ऑफर दिया हुआ है मतलब अगर मेरे पास बजाज ऑटो के शेयर्स हैं तो मैं कंपनी को चाहूं तो उनको वापस दे सकता हूं आई कैन अप्लाई फॉर द बाई बैक आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन बाई बैक लेटर अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देता बाई बैक का मतलब है जब कभी कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेस करती है मार्केट से उसको बाय बैक बोलते हैं राइट नेट इनकम अगर सपोज हंड्रेड क्रोर्स है शेयर होल्डर्स इक्विटी फाइव हंड्रेड क्रोर्स है रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट अब मान लो कंपनी ने सौ करोड़ के शेयर्स को बाई बैक कर लिया अब अगर कंपनी ने 100 करोड़ के शेयर्स को बाय बैक कर लिया तो शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी हो गई 400 करोड़ हो गई और रिटर्न ऑन रिटर्निटी बढ़कर पच्चीस कई बार अपना फॉर एक्साम्पल अगर आपने किसी कंपनी का शेयर दो रुपए में खरीदा और आपने उसको ढाई रुपए में बेच दिया तो योर रेट ऑफ रिटर्न इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कंपनी ने जो भी टोटल प्रॉफिट कमाया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज व्हाट कंपनी राइट सो दैट वाज इट दैट वाज ऑल अबाउट ऑन इक्विटी आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा मैं एक बार क्विकली कंक्लूड कर देता हूँ तो इट इज